हेलो एंड वेलकम। इन दिस ट्यूटोरियल में बताऊंगा ऑप्शन का प्राइस और उसके कौन कौन से पैरामीटर कैसे आप एक्सप्लोर करोगे ऑनलाइन NSE की वेबसाइट पे, कौन कौन से स्टॉक की इंडेक्स की ऑप्शंस हैं और उनका ऑप्शन चेंज क्या है। तो आप यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे जाइए, नेशनल स्टॉक का होम पेज। तो यहाँ से QT की जगह QT डेरिवेटिव को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप उसका जिसका भी ऑप्शन देखना है उसका इंडेक्स का, उसका स्टॉक्स का आप नाम डाल दीजिए या स्क्रिप्ट कोड डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी का देखना है तो मैं यहाँ निफ्टी डाल देता हूँ। तो यहाँ जैसे ही निफ्टी डालता हूँ तो CNX निफ्टी आ जाता है। तो CNX निफ्टी पे क्लिक करते ही मेरे के पास ये चार्ट खुल जाता है जो कि फ़िलहाल फ्यूचर का कह सकते हो। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ से निफ्टी और यहाँ से एक्सपायरी डेट जो अवेलेबल है, और ये कॉल और पुट का ऑप्शंस भी है यहाँ, और यहाँ से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम निफ्टी चल रहा है 8532, तो हम इसकी ऑप्शन देखना चाहते हैं 8500 की, तो गेट डेटा पे क्लिक कर देते हैं। तो ये ऑप्शन का पैरामीटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ये उसका प्राइस है, ये मार्केट लॉट इनटू 25 है जो ऑप्शन का प्राइस। अगर आप इसको लोग खरीदने की कोशिश करोगे तो 166 × 25 आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये ओपन इंटरेस्ट है, मींस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में कितने अभी खड़े हैं जो स्केयर ऑफ नहीं हुए हैं, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। आज का कॉन्ट्रैक्ट का क्या पोजीशन है, कितना चेंज हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट जो स्केयर ऑफ हुए हैं या जनरेट हुए हैं। तो इससे आगे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटीज। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट एक ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर ऑप्शन को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। स्पेशली जब आप स्प्रेड लगाते हो, कैलेंडर स्प्रेड लगाते हो, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का बहुत मैटर करता है आप बाय और सेलिंग्स में, स्पेशली स्प्रेड्स वगैरह में, कैलेंडर स्प्रेड्स वगैरह में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताती है हमको भी कितना प्राइस चेंज हो सकता है एक दिन में। तो ये एनुअली कैलकुलेट की होती है जो 365 डेज की वॉलेटिलिटीज का इम्पैक्ट क्या है ऑप्शन प्राइस के ऊपर, वो कैलकुलेट किए थे। इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखिए ऑप्शन चेन का कहाँ से लेंगे, और ये इसका प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज हैं, और ये इसके ऑर्डर बुक्स जो लोगों ने लगाई हुई है, और ये इंट्राडे का चार्ट है कैसे ऑप्शन ने वेरी किया है दिन में। ये कॉल ऑप्शन है, हालांकि प्राइस बढ़ा है उस दिन, निफ्टी ऊपर गया था 1110 पे पर, तो कॉल ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ी है ये कॉल ऑप्शन। तो इस पे साथ में आप और भी ले सकते हैं कॉल और पुट का, बट अगर आपने एक साथ देखना है तो यहाँ में क्लिक कीजिए ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाते ही आपको एक इस तरह का चार्ट दिखाई देगा, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है, और इसके साथ ही ये क्वांटिटी लगी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इधर उस कॉल्स की डिटेल दी हुई है और इधर पुट की डिटेल दी हुई है, और ये यहाँ से निफ्टी का सिंबल सेलेक्ट किया हुआ है हमने, और आप स्टॉक बाय भी कर सकते हैं। ये कॉल है, इधर ये पुट है। अब इस चार्ट को ध्यान से यहाँ आके देखिए, ये ऑरेंज कलर का है लाइट, और ये वाइट कलर का है पोर्शन। तो ये इम्पोर्टेंट रीज़न है
ये जो ऑरेंज सा लाइट ऑरेंज सा है, पीच सा कलर का, लाइट पीच कलर का है, तो ये इन द मनी ऑप्शन कहलाती है। ये कॉल इन द मनी ऑप्शन होगी, ये पुट इन द मनी ऑप्शन होगी, ये आउट ऑफ मनी है, वाइट कलर का है, ये आउट ऑफ मनी बोलेंगे। और एटीएम कौन सी होगी, जैसे 8532 है, अगर ये प्राइस 8550 हो जाए तो हम बोलेंगे 8550 ये जो ऑप्शन है वो एट द मनी है। मीन्स अगर यहाँ पर आपका जो ये इंडेक्स का जो प्राइस है 32 से अगर नीचे है कॉल तो इन द मनी है, और अगर 8532 से ऊपर है तो आउट ऑफ मनी है। अगर 8550 मैच कर जाए इस प्राइस से 8550 से तो ये एट द मनी ऑप्शन हो जाती है। तो ना तो वो आउट में जाएगी ना तो वो इन में जाएगी, एक अलग सा रो बन जाएगी, उसको बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन। वो बहुत रेयर देखने को मिलती है आपको एट द मनी ऑप्शन, जनरली सारी ऑप्शन इन द मनी होती हैं, कुछ ऑप्शन आउट द मनी होती है, पर क्लोज हो सकती है इन द मनी आउट ऑफ मनी। ये इसी तरह का पुट का है, पुट 8532 से अगर कम है तो आउट ऑफ मनी मानी जाएगी, अगर इससे ज़्यादा का स्ट्राइक प्राइस है तो इन द मनी ऑप्शन मानी जाएगी। और यहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, जो कि एक 10% इंटरेस्ट रेट यूज़ होता है ऑप्शन की प्राइस में कैलकुलेशन के लिए। और आगे इस चार्ट को समझिए, ये बिल्ड प्राइस, आस्क प्राइस, लेने देने के प्राइस होते हैं जो, और ये चेंज कितना ऑप्शन में चेंज आया आज के दिन, अगर प्राइस ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन कितनी कितनी बड़ी है, और ये लास्ट ट्रेडर प्राइस क्या है उनके ऑप्शंस के, और ये उनका वॉल्यूम क्या है, और ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। अब देखिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो यहाँ कॉल ऑप्शन की है जो 11% है, यहाँ पुट की तरफ ये 16 या 15% से। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटीज मीन्स आगे की तरफ किस तरह का मूवमेंट होगा वो, या एक दिन में कितना मूवमेंट होगा, एनालाइज कैलकुलेट किया जाता है ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होता है। तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा है यहाँ, आप देखिए यहाँ 21% है, 24% है, 36% है, तो आप मान सकते हो ये 16 से एवरेज 18 पे हैं, 19 पे हैं, तो एवरेज इसकी 15 या 16 बोल सकते हो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और यहाँ का एवरेज बोल सकते हो 11% 12% एवरेज जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। अगर आप इस चीज़ को सेल करोगे, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई है तो ऑप्शन का प्राइस भी हाई होगा, आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है तो इसके प्राइस भी कम होंगे, आप इनको बाय कर सकते हो। और आप ध्यान दीजिए, अगर आपने ये ऑप्शन ले ली, सपोज ये 25% है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आपने ये ऑप्शन ले ली, अब देखिए अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसकी कल 15% हो जाए या 15 हो जाए या 10 हो जाए तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास हो जाएगी। आपने अगर ये ऑप्शन बाय कर ली है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, अगर आपने ये बाय कर लिया है, कल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसकी चेंज हो जाएगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं होगा, पर वॉलेटिलिटी अगर इसमें बाई चांस फ्लक्चुएट हो गई इस वाली ऑप्शन में जो कि एवरेज 16-17 है, अगर कल को इसकी वॉलेटिलिटी 25 और 24 वालों की 15 या 16 हो गई तो आपका ये लॉस हो जाएगा अगर आप इसको बाय कर रहे हो। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप बाय और सेल करते हो, तो यहाँ ध्यान रखिए इस बात का। ये ऑप्शन चेंज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप 24 सितंबर की जो एक्सपायरी है वो वाली चेन ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, इसी तरह अक्टूबर की भी चेन ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनके प्राइस और चेन चाहिए। और एक बात और है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट का कॉलम बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेइंग एट नॉट स्केयर ऑफ इन द मार्केट,
वो स्केयर ऑफ नहीं है, खड़े हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के वैल्यूज़ में, वॉल्यूम में, वो यहाँ दिखाता है। ओपन इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर भी है जिससे लिटल बिट पता चल जाता है रेजिस्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स क्या है उस ऑप्शंस और निफ्टी की या उसकी इंडेक्स की या स्टॉक प्राइस की आप देख रहे हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है, आप देखिए 8400 का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 8300 का ओपन इंटरेस्ट कितना है, बट ये देखिए 83 इस वाली ऑप्शन का इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट कितना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें कम ट्रेड हुए हैं। तो आप अवॉइड करिए ऐसी ऑप्शंस को भी लेने का, 8350 को, क्योंकि इनमें कोई वॉल्यूम नहीं है, आप फंस सकते हो। आपका ये आप देख लीजिए आस्क और लेने देने के प्राइस में कितना, अगर आपने ले ली है कोई आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ गई आप बेचोगे तो 20 रुपये तो वैसे ही घटा हो जाएगा आपका। 285 के लिए आप देख लीजिए 260 है, 25 रुपये तो ऐसे ही आपके घाटे में चले जाएगा। अगर आप इमीडिएट बाय और सेल कीजिए तो इनमें देखिए आप कोई वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, सो अवॉइड करिए ऐसी ऑप्शन को लेन देन से जिसमें कोई वॉल्यूम ना हो और आस्क और बिड का प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। अगर आप देखें 84 की कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, सिर्फ एक पॉइंट का ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनका ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हैं बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और आपको एक सपोर्ट देता है ये, यहाँ एक बहुत बड़ी सपोर्ट है 8000 की, देखिए लोग यहाँ की ऑप्शन को बाय करना सेल करने को ज़्यादा पसंद करते हैं, सेलिंग भी कई बार करते हैं तो वो ओपन इंटरेस्ट गेन होता है उसमें, जब बाइंग करते हैं तो भी ओपन इंटरेस्ट, वो स्केयर ऑफ नहीं होती आगे क्या के कॉन्ट्रैक्ट कई बार ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप देख लीजिए लिटल बिट थोड़ा सा आइडिया लग जाता है आपको स्पोर्ट्स का भी और रेजिस्टेंस का भी। आप देख लीजिए 89 का देख लीजिए, 8800 का वो ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो एक ओपन इंटरेस्ट भी एक तरह का अलग पैरामीटर है जिसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसका आगे बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ऑप्शन चेन में थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, जो ऑप्शन चेन्स में ये पैरामीटर है, और इस तरह की ऑप्शंस को मत ट्रेड कीजिए जिनमें ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है और आस्क और बिड प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक दिस वन, ये देखिए 800 है इसका और डिफरेंस देखिए क्या है। इसी तरह पुट्स में देखिए आप 200 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इसका, देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है बिड और आस्क प्राइस में। आपको लेन देन उसी टाइम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए जिनमें वॉल्यूम नहीं है। तो देख सकते हैं आप वॉल्यूम किस में ज़्यादा किस में नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आइडिया थोड़ा बहुत लग सकता है। और आप चाहें तो इसमें स्टॉक की ऑप्शन भी, फॉर एग्जांपल आरकॉम, यू कैन गो हेयर आरकॉम, इज आरकॉम की आपकी ऑप्शन चार्ट आ गया है, आप देख सकते हैं इसका प्राइस, इसका लॉट साइज देखिए मिनिमम 4000 है, और जो कि हालांकि मिनिमम है, हर साइड में ट्रेड हुआ है 4000 से कोई कम ट्रेड नहीं हुआ। इसी तरह कोई आप देख लीजिए JP Power का, तो आप देख लीजिए इसमें मिनिमम लॉट्स कम से कम जो आस्क क्वांटिटी आप देख लीजिए क्या है, 19000 है, 38000 है, तो इसका लॉट शायद आई थिंक 19000 का होगा। इसी तरह आप और ऑप्शन देख लीजिए, इंडेक्स की ऑप्शन आप देख सकते हो, और CNX, इंफ्रा, CNX, IT, मिड कैप, FTC 100, जिन जिन की अवेलेबल है आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसे ही एक और पावर की आप देख सकते हो आपको, सो ये आर पावर का, ये भी 4000 का लॉट साइज है, तो ये आप बैक से भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव ट्राई करिए और ये आर कॉम डालिए और यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा ये लॉट साइज़ क्या है का मार्केट लॉट साइज़। तो अब देखना, क्विकली देखना है आपने कहाँ से कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से जाइए इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाके, अब तुरंत टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हो यहाँ से जिनमें ट्रेडिंग मैक्सिमम हो रही है। और आप देख सकते हो निफ्टी ऑप्शंस, तो निफ्टी ऑप्शन ही दिखाएगा, और निफ्टी जैसे कि
आईटी ऑप्शंस, ये आईटी की दिखाएगा टॉप, और ये स्टॉक ऑप्शन आईसीआईसी की इसमें ट्रेड हो रहे हैं, तो ये टॉप कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा जिसमें आप ट्रेडिंग मैक्सिमम हो सकती है। इसी तरह और भी आपको आइडिया लग सकते हैं, यहाँ से ग्लोबल इंडिसेस का भी है आपके पास, सीनेक्स बैंक निफ्टी ऑप्शन भी देख सकते हो, कौन सी पुट और कॉल ट्रेड हो रही है इसमें, तो आइदर आप यहाँ से जा सकते हो फ्यूचर डेरिवेटिव में, अब सीधा जाइए और फॉर्म को टाइप कीजिए और निफ्टी में जाइए, और एक सीधा सा वे है, तो ये ऑप्शन चेंज है यहाँ पे खुल जाएगी, जो कि आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट, लास्ट प्राइस, बिट क्वालिटी का आपको आइडिया देगी कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है कौन सा कम है। तो ये 10% इंटरेस्ट ऑफ रेट यहीं से है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आप देखिए बाय करने के लिए, सेलिंग करने के लिए कौन सा प्राइस को इफेक्ट करती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, अगेन मैं बता रहा हूँ, और ओपन इंटरेस्ट को देखिए जिसमें ज़्यादा हो उसी में ट्रेड कीजिए, कम इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले में आपको प्राइस डिफरेंस ज़्यादा लगेगा। अगर बाय 11 रुपये कर रहे हो उसी टाइम आपने गलती से बाय कर लिए, बेचती 7 रुपये पे इमीडिएट घाटा हो जाएगा आपको, तो आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को मत ट्रेड कीजिए। और स्ट्राइक प्राइस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी थोड़ा बहुत देख लीजिए और मैच करवा लीजिए आप ओपन इंटरेस्ट से। तो इस तरह का ऑप्शन चेंज को एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल्स है, एक पॉइंट है। यहाँ एक ये चार्ट भी दिया हुआ होता है जो चार्ट एक्सप्लेन करता है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी सेलेक्ट किया मैंने, कि चार्ट बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है मूवमेंट्स के प्राइस को। यहाँ पे क्लिक करिए और ये देखिए ये चार्ट दिख रहा है आपको, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। और अगर इस पर क्लिक कीजिए आप 8500 पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएंगे कौन कौन से ट्रेड अभी चल रहे हैं 20 अगस्त का, 20 सितंबर, अक्टूबर का, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस भी देखना चाह रहे हैं वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसने कैलेंडर स्प्रेड लगानी हो उसके लिए अच्छा खासा एक प्लानिंग का वो बन सकता है। जैसे कि किसी ने 3,800 की कैलेंडर स्प्रेड लगानी है तो तुरंत उसको ये प्राइस मिल जाएंगे, जो कि यहाँ जहाँ डिफरेंट एक्सपायरी के ट्रेड हो रहे हैं। सो इस वीडियो में मैंने ऑप्शन चेंज को, ऑप्शन के प्राइस के पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत उस पर फोकस डाली है, लाइटिंग डाली है। आगे आने वाले वीडियो में और बताऊँगा आपको ऑप्शंस के बारे में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रीक्स के बारे में क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, ऑप्शन ग्रीक कैलकुलेट करने, आप फोरकास्ट कैसे कर सकते हो ऑप्शन का प्राइस। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, आपको तुरंत मैसेज आएगा न्यू वीडियो आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।